अभी कटना आएगा था। क्या कर रही है? ये हड़क पीस रही हूँ। वो थोड़ी जानकारी लेना आई थी, वो आनंद दसवीं पास हो तो मु क्यों अब भड़ाउनो नहीं कि खेती में लगाई देऊं। हाँ भाभी आओ नी, ये भी समस्या हमारे पास भी आई थी। चलो अपन बैठ ने बात करा। हाँ हाँ भाभी बताओ, कई समस्या आई थी? मु आनंद दसवीं में पढ़ रही हो तो मु क्यों अब कई करनो अन पढ़ाऊं कि खेती में लगाना सोच रही। अब कई करूं, आनंद तो अच्छा नंबर से पास हुआ पर अब पढ़ाई लेन पैसा नहीं है, बाहर भेजा पैसा नहीं है, खेत में तो अच्छो पाक नहीं। अब मुके पढ़ाई छोड़ा दो नहीं न खेत में लगा दो उन पप्पा काम कराड़ी थोड़ो बहुत न। नहीं भाभी वो तो नहीं, मारा ये समस्या तो मारे पास भी आई थी। माँ भी मान छोड़ जन दस भी बनता तो नहीं दिन समस्या थी, माँ भी उठ गया पर माँ उन्हें पढ़े नहीं छोड़ा थी। तो छोट को बच्चों था पढ़ना में, वो तो कभी भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। थान का येरो करिया फज थान समस्या हल होगी। येरो येरो मान हंगाता भी तो भाभी कहीं भी नहीं पाकतो, तो फसल इतनी बोदी रहती थी कि बहुत कमजोर रहती थी, तो कई बाढ़ की फीस भी नहीं निकलती थी। अरे है नहीं महाराणा तो मेरी समस्या भी वहाँ कहीं कर रहा था महाराणा भी नहीं, वो जो भदौरिया मैडम थी वह हमारा हल्दी खेती बारे में बताई। की कर करनो एक कई हल्दी खेती में? अरे है नहीं सबसे पहले हल्दी खेती करो, हल्दी खेती में नहीं अपना बहुत फायदा रही हो उनसे अपनों काम चल जाएगा। अरे था अरे भाभी था नहीं हल्दी खेती करना मन जाओ उनसे थान बाग पड़े नहीं छोड़ाना पड़ेगा। हल्दी खेती की कर करो फिर बीज कटो सुलाया था 2007 में नहीं मैंने 1 क्विंटल बीज मिले तो आजीविका मिशन से उनसे मैं खेती शुरू करी। उन बाद में क्या करे थे था? हमारा नहीं जो 1 क्विंटल हल्दी मिलती थी ना आजीविका मिशन से, उन्होंने वहाँ क्या करा था कि थोड़ी सी जगह में जो अटना जो थोड़ी फलतू फलतू जगह पड़ी थी नहीं उनमें मैं लगाई थी, तो उनती वह हल्दी 1 क्विंटल से मैंने 12 क्विंटल हल्दी पक गई। कि वह 12 क्विंटल हल्दी पकी नहीं तो उनमें खर्चों का ही नहीं आया मैं। अरे वह हालत पकड़ा बार मैं इतनी खुशी होगी बस मैं लाग रहा बस अब मैं हल्दी रिच खेती करांगा, वह खेती मैं समझ में आएगी और वो मेरा अच्छा दिन चल रहेगा। अभी हल्दी लगाओ वह 12 क्विंटल हल्दी जो निकली भाभी उन्होंने वहाँ कहीं कराया कि पूरा बीज बना दियो न, उन्हें 2 एकड़ में लगाई दी तो वह 180 क्विंटल पाकी जिनसे मैं खूब फायदा हुआ न, खर्चो कहीं भी नहीं लागो। अभी फिर 2 एकड़ में लगाओ? नहीं नहीं अब मैंने कहीं करा कि पूरा खेत में हल्दी लगाओ, पूरा 10 एकड़ में हल्दी रिच खेती कर रहे हैं। फिर हल्दी लगाओ घर पे लगाओ माई? हल्दी रहंगा तो मैं मक्की लगाई 3 बार और मक्की नहीं 130 क्विंटल वेगी और 450-450 क्विंटल अपनी हल्दी वेगी, दो ही फसल वेगी। हल्दी रहेंगा तो आप दूसरी चीज भी लगे सर? अभी इन माह नहीं मैं सोच रहा है कि तिल्ली लगाई देगा न अभी जून में न फिर नवम्बर में मक्की लगाई दे हल्दी फसल तो अपनी रहे करना 3 फसल आई जाएगा तो अपना बहुत फायदा मिलेगा। फिर 3 चीज लगाओ खर्चो खूब आता है? नहीं भाभी उनमें नहीं ज्यादा खर्चो नहीं आवा क्योंकि अपना हल्दी बीज तो अपना घर रोज रहे न तिल्ली में और मक्की में ज्यादा खर्चो नहीं आएगा। खाद दवाई खर्चो आता जो खाद दवाई खर्चो तो आओ पर बहुत कम आओ जैसे मान लो दवाई अब 2-2.5 हज़ार रुपये एकड़ दवाई खर्चो हो जाए ना 2-1 हज़ार रुपये खाद रो पर इन मैंने गोबर की खाद अपन लगाना पहले अच्छी नाकनो पड़ा अपना इन मैंने गोबर की खाद खूब अच्छी नाकनो जो हड़ेली रहे गोबर की खाद वह अच्छी डालू तो बहुत फायदा मिला अपना लगाना पहले कहीं करना पड़े। हाँ अपना नहीं जैसे अपन बीज ने लगाना पहले कहीं करूँ जो गोबर गैस जो गोबर गैस में जो गोबर निकाले उनमें ट्राइकोडर्मा डालना उनमें पूरी लेप लगाई देना हल्दी बीज ने मन तो उनती वह बहुत अच्छी रही। और क्या करना पड़ो? 2-3 महीना जन वह फसल वे जाए नहीं तो उनमें अर्ली बाइट नाम रो एक रोग लग जाए उन्हें दूर करना और लग केवरो टाप रो स्प्रे करना पड़ता और इन भाभी नहीं इनमें 2 से 3 बार अपन अच्छो निदान करा देना और यदि अपन अपन इन लगाओ नहीं तो लगे ना बाद में या 1 महीनो लग जाए इन बारो अंकुरित वेणा में तो इनती अपन डरनो नहीं कि भाई इतनी लेट रहेगा करना पर वो जो अच्छी उमजीगा 1 महीना में। हाँ भाभी इन लाइन में थाने कह रही हूँ कि आता हल्दी खेती करो, हल्दी खेती करना हम कही वेला कि उनमें खर्चो बहुत कम है और फायदा बहुत मिलेगा और हल्दी खेती करना से जानी मानो जी मानी स्थिति पहले रिच थी पर अभी मानी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हल्दी खेती करना कारण ही मन छोड़ा ना पढ़ाई लेने इलाहाबाद भेज सके और हल्दी की खेती करना से अपना एक फायदा यो भी रहेगा कि अपना रोज खेत में जाना पड़ा और इन्हें फालतू रेन कहीं करेंगे तो मैं अपन भेसा रहा धंधा चालू कर दिया दूध रो और ये सब चीज़ें हैं ना आजीविका मिशन द्वारा अपन जो बीज मिले तो नहीं इनके अपन संभव हो सके क्योंकि अपन समूह बना है और समूह के माध्यम से ये सब चीज़ें वे सके संभव। हाँ भाभी था नहीं एक काम करो था भी नहीं अपन हाँ समूह से जुड़ जाओ तो थाना छोड़ाना पढ़ाना पढ़ाई छोड़ाना जरूरत नहीं पड़ेगा और था उन्हें अच्छे से पढ़े सकोगा और हल्दी खेती था अच्छी तरह से कर सकोगा। थाना अच्छी राय दे दी, अब मुँह भी हल्दी खेती करूंगा न छोरा नान पढ़ूंगा न। चल धन्यवाद थाना। हाँ भाभी थाना और भी कोई समस्या है नहीं तो बता जो है नहीं और आजो भाभी। हाँ और कोई समस्या हुई हम चलो है मंजू जी।